Welcome back. In exercise 4.1, we discussed three techniques to solve the quadratic equation. Number one, by factorization. Number two, by computing square. And by quadratic formula. In exercise 4.2, we discussed those type of equation which are reducible to quadratic. Physically, वो देखने में तो quadratic नहीं लगेंगी. लेकिन हम उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक में शिफ्ट हो जाएंगी. तो उसमें जो टाइप वन की इक्वेशन है, मैं इधर लिख देता हूँ टाइप वन. एक्स पावर टू एन बी एक्स पावर एन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये कंडीशन क्वाड्रेटिक में भी थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक जितनी भी क्वाड्रेटिक हम डिस्कस करेंगे चाहे रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक, उसमें जो कोफिशिएंट होता है ठीक है वो नॉन जीरो होगा. ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. वो क्या होगी, लेट y is equal to x power n. ठीक है, ये जो b वाला कोफिशियंट है इसको आपने y सपोज कर लेना. ठीक है, b के साथ x की पावर n, ये जो b वाले के साथ वेरिएबल x पावर n, इसको हमने क्या सपोज कर लेना y. अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे. टेकिंग स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज x पावर 2n. ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिए. अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जब हम इस इक्वेशन में करेंगे, देखिएगा इक्वेशन क्या बन जाती है. इक्वेशन आ जाएगी a y स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो. देखिए, अब ये जो नई वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक बन गई y में. ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करके हम इस टाइप की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं. एक्सरसाइज 4.2 में जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप के हैं. 4.2 में जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन 1-5 हैं. ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ टाइप वन से जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1-5 एक्सरसाइज 4.2 के. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से. अब ये पांचों किसी ना किसी बोर्ड में आए हुए हैं. ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चन वन, अब ये अगर आप चेक करें तो इसकी डिग्री कितनी है, 4. तो ये क्वाड्रेटिक की शेप में नहीं है. अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम इसमें अभी वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज नहीं कर सकते, ना ही फैक्टराइजेशन ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब ये देखिए इसी शेप में है, इसी टाइप की इक्वेशन है. तो इसमें जो अच्छा ख्याल रखिएगा, ये जो मिडल वाली टर्म होती है ना, यहाँ सिंपल मिडल वाली टर्म कर लें, या आप ये कहें कि जो भी पावर छोटी होगी, मतलब ऐसी पावर को y सपोज करना है जिसका स्क्वायर करने से सेकंड वाली टर्म बन जाए. ठीक है, मतलब ऐसी टर्म को y सपोज करना है जिसका स्क्वायर करने से दूसरे वाली टर्म बन जाए. तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि प्रॉपर एग्जाम में जिस तरह सॉल्व करना है मैं उसी तरह सॉल्व करता हूँ. एक्स फोर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वेयरिंग करते हैं, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू x4
कर दें इस क्वेश्चन में तो क्या मिलेगा हमें, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये किसमें है, क्वाड्रेटिक इन y, इसको हम लिख देते हैं जी, ये किसमें क्वाड्रेटिक इन y। इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड अवेलेबल हैं जो 4.1 में हमने डिस्कस किए हैं, चाहे आप फॉर्मूला यूज कर लें, चाहे फैक्टर्स बना लें, या कंप्यूटिंग स्क्वायर कर लें। तो सबसे ज्यादा आसान क्या है, जिसके फैक्टर्स बना लेते हैं। अब फैक्टर्स में क्या बनेंगे, ये 8 1 8, तो 8 1 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 2 8, 4 2 6 बन जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे इसके जी, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, y, y माइनस 4, और इसमें से माइनस 2, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस 4 दोनों में कॉमन, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर पेज के साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बोर्ड में आपने ऐसा नहीं करना, आपने प्रॉपर शीट को ठीक है कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो आइदर y माइनस 4 इज 0 और y माइनस 2 इज 0। हियर y इज 4 एंड y इज 2। ठीक है, अच्छा हमें जो फाइंड करना है वो x की वैल्यू है, y की नहीं चाहिए हमें। तो जो सब्स्टिट्यूशन की है उसको वापस वो वैल्यू साइन कर दें। मैंने सब्स्टिट्यूशन की थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये y की वैल्यू दोबारा से एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर भी और इधर भी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से दोनों तरफ से स्क्वायर रूट करोगे तो ये स्क्वायर रूट 4 क्या आएगा, प्लस माइनस 2, और इस साइड पे जब स्क्वायर रूट करेंगे ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, ओके, अब इसका सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नोट करें कि कितना सॉल्यूशन है, प्लस माइनस 2 दो ये हैं और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 दो ये, टोटल मिलके कितने हो गए, 4। और अगर आप गौर करो तो इस इक्वेशन की डिग्री भी कितनी है, 4 ही है। तो जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही आपको रूट मिलेंगे। 4.1 में जो के सारे वो क्वाड्रेटिक थे, सेकंड डिग्री की थी, इसलिए उधर दो सॉल्यूशन मिल रहे थे। अब इधर कितनी डिग्री है, 4 है, तो हमें सॉल्यूशन भी कितने मिले हैं, 4 ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, x माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3x पावर माइनस 1। ठीक है, तो इसको पहले सबको एक साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 3x पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x पावर माइनस 2 माइनस, इसको मिड में ले आते हैं, x पावर माइनस 1 माइनस 10 इज 0। ठीक है, तो जरा देखिए किस टर्म को हमने y सपोज करना है, ये मिडिल वाली, क्योंकि इसका स्क्वायर करने से ही हमें फर्स्ट वाली टर्म मिल जाएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, जैसे मैं ग्रीन यूज कर रहा हूँ, आपने ग्रीन नहीं यूज करना, ठीक है, आपने ब्लू ही यूज करना है, मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन आपको नजर आए। लेट y इज इक्वल टू x की पावर माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज x पावर माइनस 2। ठीक है जी, अच्छा जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी,
y पावर 2 माइनस 3y माइनस 10 इज 0। ये y में क्वाड्रेटिक है तो इसके फिर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मिडल टर्म माइनस 3 है और ये माइनस 10 तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 और 2, क्योंकि 5 को माइनस 2 से करेंगे 3 आएगा। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से आपका कॉमन y माइनस 5, नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन 2y माइनस 5, दोनों कॉमन में सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फैक्टर्स ठीक है। अब बाकी क्या आ गया, y माइनस 5 एंड y प्लस 2 इज 0। यहां से वही आइदर y माइनस 5 इज 0 और y प्लस 2 इज 0। हियर y इज 5 एंड y इज माइनस 2। ठीक है, फिर वही हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली x की वैल्यू चाहिए, तो y को दोबारा रिप्लेस कर देते हैं x के साथ। y को हमने सपोज किया था x पावर माइनस 1, 5, ये हो गया x पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। x पावर माइनस 1 एक्चुअली 1 ओवर x है, 5, दिस इंप्लाइज दैट x इज 1 ओवर 5। ठीक है, और यहां पे भी ये भी 1 ओवर x ही है, माइनस 2, दिस इंप्लाइज दैट x इज माइनस 1 बाय 2। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इज वन बाय फाइव एंड माइनस 1/2। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 सेम उसी टाइप के हैं। अब हम इसका क्वेश्चन 5 डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन 5 इज एक्स पावर 2/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6x/1/5। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा, वही पहले हम इसकी वो फॉर्म लिख लेते हैं दोबारा से, क्वेश्चन सबको राइट साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। x पावर 2/5 ये मिडल में आ जाएगा, माइनस 6x/1/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब किस वाले को हम सपोज करेंगे, 1/5 को y। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू x पावर 1/5 नाउ टेकिंग स्क्वेयर, y स्क्वेयर इज x पावर 2/5। ठीक है जी, अच्छा जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इक्वेशन में किस में शिफ्ट हो जाएगी, दिस वन इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका y स्क्वायर x पावर 2/5 है, तो x पावर 2/5 में y स्क्वायर आ गया माइनस 6 और ये हमारा y था, y लिख दिया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब अच्छा फिर मैं दोबारा से बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूरी नहीं है आप फैक्टर्स बनाए, आप इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कम्यूटेटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन फैक्टर्स में इसलिए फैक्टर्स बनाने आसान हैं और इसकी कैलकुलेशन प्रोसेस भी छोटा है, इस वजह से हम फैक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है, ओके, इसके फैक्टर्स वाई 4 2 8 4 2 6। ठीक है जी, 4 और 2 बनेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज 0, y कॉमन, y माइनस 4 माइनस 2 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 कॉमन, रिमेनिंग इज y माइनस 2। सो इधर y माइनस 4 इज 0 और
y minus 2 is 0. Here y is 4 and here y is 2. Okay, we have to find the values of x, not y. So y ki value wapis replace kar dein. X power 1 over 5 is equal to 4. X power 1 over 5 is equal to 2. अच्छा ये फिफ्थ रूट है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ पावर 5 रेज करेंगे जब पावर 5 रेज करेंगे तो ये x की पावर 5 1 ओवर 5 से कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे क्या आ जाएगा 4 पावर 5 सिमिलरली इधर भी यही होगा 2 पावर 5 4 पावर 5 इज 1024 ठीक है कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं एंड 2 पावर 5 इज 32 So finally, the solution set is 32 and 1024. ये थे type 1 से relevant question. अब हम next discuss करते हैं type 2. Type 2 में दो equation होगी. The equation of the form इसमें चार फैक्टर होंगे ये नजर आ रहे हैं आपको ठीक है इन चार फैक्टर को इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको फैक्टर्स को अरेंज करना है किस तरह अरेंज करना है कि आपकी ये जो कांस्टेंट्स हैं ए बी सी एंड डी दो और दो कांस्टेंट का सम इक्वल आना चाहिए मतलब फॉर एग्जांपल ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए सी प्लस डी के अगर ए और बी और सी डी का सम इक्वल है तो वो दो फैक्टर्स इकट्ठे होंगे जिस तरह ए और बी वाला फैक्टर यहाँ पे इकट्ठा है और सी और डी वाला इकट्ठा है तो ये माइंड में रखना है आपने कि किन कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने से सम इक्वल आ रहा है जिससे इक्वल आएगा उन्हीं को आपने कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर देना है तो इजीली आप इसको इस टाइप की इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेंगे ठीक है अब इस एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चन है इस टाइप 2 से रेलिवेंट वो है जी क्वेश्चन 1 टू 5 टू टाइप 1 में है क्वेश्चन नंबर 6 टू 13 ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे इसमें हम पहले क्वेश्चन 6 डिस्कस कर लेते हैं अब ये टाइप 2 नजर आ रही है आपको इसमें चार फैक्टर्स हैं लेकिन चार फैक्टर्स को हमें अरेंज करना है किसी तरीके से अरेंज किस तरह करना है अब देखते हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 तो रफ में चेक करते हैं कि कौन से दो का सम सेम आ रहा है अच्छा 1 + 2 = 3 होगा 3 + 4 = 7 ये तो सेम नहीं है लेकिन अगर इसमें 1 + 4 करें तो आंसर क्या आएगा 5 और बाकी 2 + 3 तो 1 और 4 वाला और 2 और 3 वाला आपने कंबाइन करना है ठीक है इसमें बस कॉन्स्टेंट्स का ही आपने ख्याल रखना है इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं है हम अरेंज करेंगे 1 और 4 को और 2 और 3 को तो इसी स्टेप में मैं अरेंज बल्कि एक स्टेप लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में अरेंज करेंगे x+2 x+3 x+4 = 24 तो अरेंज करने के लिए हमें 1 और 4 2 3 को कंबाइन करना है फैक्टर्स को सो x+1 and x+4 इनको कंबाइन कर लिया पर 2, 3 ये आपके कंबाइन हो गए अच्छा कंबाइन करके दो दो को मल्टीप्लाई करना आपने ठीक है फर्स्ट 2 को और 3 और 4 को जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x into x x² + 4x + x + 4 ठीक है और अब इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं x² + 3x 2x + 6 = 24 अच्छा
अब इनको ये ऐड हो रही है टर्म्स, इनको ऐड कर लेते हैं। x स्क्वायर 4x प्लस x इज 5x प्लस 4 एंड नेक्स्ट फैक्टर इज x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इज 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 24। ठीक है। अच्छा अब क्या चेक होगा कि हमने ये जो फैक्टर्स कंबाइन किए थे ये ठीक है? ठीक है, उसका ये गारंटी अब इधर हो जाएगी। ये वाली वैल्यूज देखें, x स्क्वायर प्लस 5x पहली दो टर्म्स और इसकी पहली दो टर्म्स, ये दोनों सेम आ रही हैं, ये वाली और ये वाली सेम है। अगर तो ये सेम है तो इसका मतलब है आपने फैक्टर्स जो ये कंबाइन किए हैं वो ठीक किए हैं, लेकिन अगर ये डिफरेंट हैं तो ये फैक्टर्स आपके ठीक कंबाइन नहीं किए आपने। ठीक है, तो ये हमारा गारंटी हो जाएगी, चेक हो जाएगा यहाँ पे। और इसी को सपोज करना है आपने, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम है ना, इसी को हम सपोज करेंगे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन कर दें इक्वेशन में, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। किस में चेंज होगी? y प्लस 4 एंड नेक्स्ट इज y प्लस 6 इज इक्वल टू 24। इनको मल्टीप्लाई करते हैं अगेन, y स्क्वायर प्लस 6y 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 24, देन y स्क्वायर प्लस 10y 24 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गए, माइनस हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर प्लस 10y इज 0। अब इसमें से y कॉमन, y प्लस 10 इज 0, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर y इज 0 और y प्लस 10 इज 0, सॉरी y प्लस 10। फिर y इज माइनस 10, तो ये दो वैल्यूज आपको y की मिल गई। अच्छा, y की दो वैल्यूज मिल गई, 0 एंड माइनस 10, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज माइनस 10। तो y की वैल्यू, क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की चाहिए, तो y की दोबारा x को रिप्लेस कर दें, y x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 10, x कॉमन, x प्लस 5 इज 0, यहाँ से दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक 0 और एक माइनस 5। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 5x ये साइड पे प्लस 10 होगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या बने? इसके फैक्टर्स 10 के देखें, फैक्टर्स आपको नहीं बन रहे होंगे, तो अगर फैक्टर्स नहीं बनने तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए a की वैल्यू 1 है, b आपका 5 है, c 10 है, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर इज 25 माइनस 4ac, 4ac इज 40 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x की आपको इस तरह चार वैल्यूज मिल गई, दो ये हैं और ये प्लस वाली और एक माइनस वाली, दो ये हैं। तो इसको चाहे आप सॉल्यूशन सेट में लिख दें, अगर क्वेश्चन है सॉल्यूशन सेट का होगा, नहीं तो अगर ऐसे ही इसको सर्कल कर दें, ठीक है, जैसे आपकी चॉइस है। तो ये हमारे पास टाइप 2 की इक्वेशन है। इसमें हमने किस तरह, दोबारा से मैं बता दूं, ये आपने अरेंज इस तरह करना है कि ये जो ए और बी का सम है वो सी और डी की इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8 और 9 सेम इसी पैटर्न के हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन 10, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
और इसका बुक में अगर आप देखेंगे तो इसका हिंट भी अवेलेबल है। अब इस केस में अगर कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो 1+3 4 और 5+3 ये तो ठीक फैक्टर्स नहीं नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। 1 और 5 6 और 3 और 3 मिलके 6 बन जाते हैं। ये बुक ने हिंट दिया हुआ कि x प्लस 1 और 2x प्लस 5 को कंबाइन करें और 2x प्लस 3 और x प्लस 3 को कंबाइन कर लें। लेकिन जब आप कंबाइन करें कांस्टेंट तो सेम आएंगे, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो आपको सेम नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से इसको हम किस तरह वो वाला रूल को थोड़ा सा माइंड से निकाल के हम इसको अरेंज करेंगे, जो सिंपल लीनियर टर्म्स हैं मतलब इसमें 2x 2x इनको इकट्ठा कर लेंगे और ये x प्लस 3 और x प्लस 1 इनको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अरेंज कर रहा हूँ x प्लस 1 x प्लस 3 के साथ, 2x प्लस 3 2x प्लस 5 के साथ, ठीक है। मैं फिर दोबारा से बता दूं, इधर हमें कांस्टेंट सेम नहीं मिल रहे, लेकिन एक्चुअली हमारा मेन टारगेट जो होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन फैक्टर्स को तो फर्स्ट टू टर्म्स आपकी सेम आनी चाहिए ताकि वो रिड्यूस होके क्वाड्रेटिक में शिफ्ट हो जाए। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये दो टर्म सेम करके क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होता है कि नहीं, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स प्लस 3 2 to 4x square plus 10x plus 6x plus 15 is 945, ठीक है। तो ये टर्म्स ऐड हो रही हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 3x plus x is 4x plus 3 और ये क्या आएगा, 4x square 10 plus 6 is 16x plus 15 is 945, ठीक है। अच्छा ये सेम देखें देखने में नहीं लग रही, लेकिन अभी एक स्टेप एक और करते हैं, देख ये सेम हो जाएंगी। x square plus 4x plus 3, ठीक है। इधर मैं ब्रैकेट स्क्वायर वाली यूज करने लगा हूँ। अब यार फर्स्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, सिंपल 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वैसे तो x भी कॉमन है लेकिन हमें सिर्फ 4 चाहिए, उसकी रीजन क्या है ये भी आपको नेक्स्ट स्टेप में आइडिया हो जाएगा कि हमने 4 ही क्यों कॉमन लिया। आप जरा देखिए ये टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्या ये सेम हो गई, बस ठीक है। एक्चुअल हमारा ये टारगेट होता है कि ये टर्म सेम होनी चाहिए ताकि हम इसको सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस कर दें क्वाड्रेटिक में, ठीक है जी, ये सेम है। तो इसी को हम सपोज कर लेते हैं y, नाउ लेट y इज, लेट y इज x स्क्वायर प्लस 4x। तो x स्क्वायर प्लस 4x अगर ये है तो ये इक्वेशन शिफ्ट हो जाएगी y प्लस 3 और ये क्या आ जाएगा, 4y plus 15 is 945। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4y square plus 15y plus 12y plus 45 is equal to 945। Then 4y square प्लस 15 प्लस 12 इज 27y और ये हो जाएगा 45। दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें या बल्कि इस साइड पे ले आते हैं इसको, तो ये प्लस 45 और ये क्या हो जाएगा, माइनस 9, 45 इज 0। देन 4y स्क्वायर प्लस 27y माइनस 900 is equal to 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में देखें शिफ्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। अब इसको फैक्टर्स बना लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, जैसे आपको इजी लगता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, फैक्टर्स 9 4 3600
के फैक्टर्स बनेंगे 20 प्लस माइनस 27 में लेके आना है आपको, तो ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 48, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टर्स 4y स्क्वायर माइनस 48y प्लस 75y माइनस 900 इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन, अच्छा ये 48 और 75 का देख लें, अगर इनका सम करते हैं 75 माइनस 48 तो ये 27 ही आ रहा है। तो कुछ कॉमन जी, पहली दो टर्म्स में से 4y कॉमन, तो ये आएगा 4y इंटू y माइनस 12, और इसमें से क्या कॉमन आएगा 75 देन y माइनस 12। ठीक है, ये कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं कि 900 में से 75 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 900, तो कॉमन y माइनस 12 दोनों फैक्टर सेम है, एंड 4y प्लस 75 इज जीरो। यहां से दो वैल्यूज आपको मिल गई। दिस इंप्लाइज दैट y is 12 and y is minus 75 divided by 4। अच्छा, अब हमें एक्चुअली y की वैल्यू नहीं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो दोबारा से y की वैल्यूज को वापस रिप्लेस कर देंगे। जो सब्स्टिट्यूशन की थी, मैं दोबारा इधर y की वैल्यू लिख लूँ, y is equal to minus 75 over 4। y is x square plus 4x, x square plus 4x is equal to 12, x square plus 4x minus 12 is 0। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 12, 6 to the 12, so x square plus 6x minus 2x minus 12 is 0, x common, x plus 6 minus 2 common, x plus 6 दोनों में है, गारंटी कर रहे हैं कि फैक्टर्स हमारे ठीक हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ x इज minus 6 एंड 2, दो वैल्यूज आपको मिलके। अब ये वाली साइड वाली इक्वेशन है, इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू माइनस 75 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, ये 4 नोमिनेटर में है तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन से, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू माइनस 75, 4x square plus 16x plus 75 is equal to 0। ठीक है, तो यहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में a है 4, b 16 एंड c इज 75। सो माइनस b इज माइनस 16 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b square, 16 square is 256 minus 4, 4 4s are 16 into 75। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया हो गया, ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, माइनस 16 प्लस माइनस 256 माइनस ये कितना हो जाएगा 1200 divided by 8, so x is minus 16 plus minus 256 minus 1200 minus 944 divided by 8। अब square root में minus आ गया, तो ये iota की form में है, तो next page में हम इसको solve करते हैं। x is equal to माइनस 16
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 944, माइनस 944 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 59। यहाँ हम इसको इस तरह, बल्कि इसकी बजाय हम ये लिख लें 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 59, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन के साथ है, डिवाइडेड बाय, अब ये बुक की, बुक का जो आंसर है बस उसी शेप में शिफ्ट कर रहा हूँ, बाकी अगर आप उधर तक छोड़ना चाह रहे हैं ठीक है वो भी ठीक है। तो माइनस 16 प्लस माइनस, ये 16 एग्जैक्ट कंप्लीट स्क्वायर रूट है 4 का, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, माइनस 59 डिवाइडेड बाय 8, सो फाइनली माइनस 16, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 और 16 में से 4 कॉमन आएगा, ठीक है 4 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 माइनस 59 डिवाइडेड बाय 8, ये 4 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 59 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं, सो फाइनली सॉल्यूशन सेट इज माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 59 डिवाइडेड बाय 2, और प्रीवियस पे से चेक कर लेते हैं, माइनस 2 एंड 6 माइनस 2 एंड 6, ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट, ठीक है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं जिसमें, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, बुक में इसका हिंट अवेलेबल है, लेकिन अगर उस हिंट से सॉल्व करेंगे तो वो एक तो मुश्किल हो जाएगा और आपकी वो दो टर्म्स सेम नहीं आएंगी, जिस वजह से जो आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपकी वो एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक में आपको कन्वर्ट होती नजर नहीं आएगी, तो इसलिए इसको आपने याद रखना है कि जो लीनियर वाला फैक्टर है वो लीनियर के साथ अटैच कर, सिंपल एक्स वाला सिंपल एक्स के साथ अटैच करना है, टू एक्स वाला टू एक्स के साथ अटैच कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।